हे गाइस, वेलकम टू मी ट्रेवल्स। तो और माइक नहीं है अभी हमारे पास, तो माइक दूसरे रूम में रह गया। तो अभी हम पहले माइक लेके आते हैं। और उसी रूम में मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, दो तीन प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं। तो डायरेक्ट उसी रूम में चलते हैं गाइस और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस, तो जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाने थे वो ये दो पड़े हैं। एक्चुअली मैंने एक बाइक लिक्विड पॉलिश ली थी और एक कार शैम्पू लिया था। एक्चुअली कार शैम्पू आप बाइक के साथ भी यूज़ कर सकते हो, तो ये कहीं पे भी आपका यूज़ हो जाएगा, बाइक के साथ भी और कार के साथ भी। ऑल दो मैंने इन दोनों में से किसी प्रोडक्ट को ट्राई नहीं किया, तो मैं आपको ट्राई करने के बाद बताऊँगा कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं। और गाइस, ये जो ग्लव्स पड़े हैं मेरे, विंटर के ग्लव्स हैं, इनमें आर्मर नहीं है, और बट मैंने विंटर्स के कोई और ग्लव ले लिए थे। ये जो थे मतलब नॉर्मल राइडिंग के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज गाइस ये क्लच पे फिंगर नहीं जाने देती, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये वाले ग्लव्स मैं साइड पर रख दिए। दूसरे ग्लव्स लिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और अभी गाइस हमारे एक्शन कैमरा की बैटरी हो गई है पूरी चार्ज, और अभी हमने फॉग लाइट्स टेस्ट करनी है। तो फॉग लाइट टेस्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके लिए आप हैंडल बार पे हम एक माउंट सेटअप करेंगे। वो जो वीडियो है ना गाइस, तो मैं छोटा सा आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि किस चीज़ पे। ये एक रिएक्शन वीडियो है, तो कुछ ऐसा वैसा मतलब मैं करने वाला हूँ, तभी मैं हैंडल बार पे मतलब एक्शन कैमरा माउंट करके आपको थोड़ा सा बताऊँगा। तो गाइस, जिसे अगर जिसने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हमारी राइड की, रेणुका जी की और कसोली की, प्लीज़ आके देखो। सबसे सारी वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और जिसको गाइस अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा फॉग लैंप्स के टेस्ट पे। तो आ गए हम हाईवे पे अपनी फॉग लाइट्स टेस्ट करने, और देखते हैं गाइस फॉग लाइट कैसा परफॉर्म करती है। अभी मैंने फॉग लाइट्स लाई नहीं है, अभी मैं नॉर्मल हेडलाइट ही ऑन की हुई है, और ये फर्स्ट टाइम है गाइस जो मैं रात को ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे को कैमरा क्वालिटी का नहीं पता कैसी आ रही है, उम्मीद करता हूँ अच्छी आ रही होगी। तो अभी यहाँ पे पहले से काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग है, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जहाँ पे डार्क है वहाँ पे फॉग लाइट दिखाऊँ, ताकि पूरा उसका इफेक्ट दिखे। जो प्रॉब्लम है वो प्लेसमेंट में है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब सामने की तरफ जाने की बजाय। तो यहाँ पे अभी एक टर्न आता है, उसके आगे थोड़ा सा आपको डार्क सा एरिया मिलता है, वहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ कि फॉग लाइट जलाता हूँ और देखता हूँ। मेन मेरे को थोड़ी कैमरा क्वालिटी की, वीडियो क्वालिटी की थोड़ी सी टेंशन है, बिकॉज कभी रात को बनाई नहीं है मैंने, और ये फर्स्ट टाइम है रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मेरे को रात को ही देखना है। तो अभी गाइस हम फॉग लाइट ऑन करते हैं और आप लोग डिफरेंस देखना। ये देखिएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ऐसा लगता है बिल्कुल ही अलग तीन चार हेडलाइटें एक साथ लगा दी। तो फॉग लाइट लगाने के बाद इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है मेरे को इतना नहीं पता थी। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ फॉग लाइट ला के वीडियो बनाओ, और गाइस अगर इवन मैं हेडलाइट ऑफ भी कर दूँ ना, तो भी कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज हेडलाइट की लाइट दिखती नहीं है, और सारी जो लाइट आपको दिखेगी वो सिर्फ फॉग लाइट की दिखेगी। और गाइस पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जब वहाँ पे वापस आ रहा था रेणुका जी वाली राइड से, तो वापस आते हुए गाइस कैमरे की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। मेरे पास चार्जर पड़े थे ऑलरेडी, बट मैंने फिर बोला चार्ज होने में भी बैटरी टाइम लगेगा, और मैं वाटर प्रूफ केसिंग भी यूज़ कर रहा था। तो आपको पता है कि SJ6 की जो वाटर केसिंग है उसके साथ आप चार्जर नहीं डाल सकते, चार्जर का पॉइंट ओपन ही है उसमें, तो इसलिए मैं वीडियो आगे वो बना नहीं पाया। बट रास्ते में भी गाइस कहीं हम रुके नहीं थे, और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी वापस आते हुए, अराउंड 8 बज गए थे, 8-9 बज गए थे। मैं काम के साथ गाइस काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, तो ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम मेरे को ज़्यादा लग गया है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो मैं टाइम पर ही बनाऊँगा। और ये लेफ्ट साइड शायद यप ब्लू बस जा रही है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उन्हें पता है ब्लू बस का क्या सिग्नल है, तो इनसे मैं दूर ही रहता हूँ। तो जो फॉग लाइट है ना गाइस, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, मतलब एसेसरी वाले शॉप से किसी भी। और जो मेरी है फॉग लाइट वो HJC कंपनी की है एज़ फार एज आई रिमेंबर, एंड जो पेयर है वो दोनों पेयर अराउंड 80 वॉट टोटल होते हैं, मतलब एक सिंगल सिंगल 40-40 वॉट की है ये फॉग लाइट। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक ठीक आई गेस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगी किसी भी शॉप से। तो अगर आप रात को ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ऑल्दो मैं करता नहीं, बट फिर भी मैंने एज एन एसेसरी लगा दी, बिकॉज यू नेवर नो, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कहीं पे भी जाने की, रात को या दिन को कभी भी पता नहीं चलती। और यहाँ से मैं गाइस लूँगा एक यू टर्न, और अभी मैं वही ढूँढ रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को पता नहीं कि यहाँ पे मैंने घर से निकलते हुए चेक किया था कि मैंने स्टेबिलिटी ऑन की थी जायरो या नहीं की थी SJ6 की। तो अगर मैंने ऑन नहीं की थी तो फिर मेरे को दोबारा से गाइस सारी वीडियो बनानी पड़ेगी,
तो इसलिए पहले मैं साइड पर कहीं रुक के देखता हूँ, अगर यहाँ पे कहीं स्टॉप मिलता है मेरे को रुकने के लिए। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हाईवे पे इस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होएगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है मेरे को इस टाइम पे, भी वैसे यूजली होता नहीं। और अगर अभी किसी को टाइम वैसे जानना है तो अराउंड 8:30 हुए हैं अभी, 8:30 पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। रात को वैसे होता नहीं, बट नेशनल हाईवे हमेशा चलता ही रहता है, तो यू नेवर नो। और यहाँ से मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी जगह पे टर्न लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस पे, पता नहीं क्यों। और पीछे हमारे काफ़ी सारे ट्रक हैं, तो साइड पे उतने गए तो देखता हूँ मैं कि स्टेबलाइजेशन ऑन है या नहीं, और उसके बाद हम फिर दोबारा मैं ये राइड कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे मेरे को एक लेफ्ट साइड पे आगे जगह पता है जहाँ पे मैं साइड पे रुक के एक बार चेक कर सकता हूँ, तो देखता हूँ मैं गाइस, फिर मिलते हैं। अभी स्टेबलाइजेशन ऑन थी, इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हुई आज पूरे दिन में, तो अब मेरे को दोबारा से वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी गाइस, तो अच्छी बात है। और जिसे वीडियो अच्छी लग रही है वो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो जो होगी ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होगी। अगली वीडियो गाइस अभी हमारी प्लान नहीं है राइड की जो है, तो अगर किसी ने अपने कमेंट्स देने हैं कि हम कहाँ राइड करें तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और पॉसिबल हुआ तो हम उस जगह पे डेफिनेटली राइड करेंगे। तो अभी हमारे गाइस, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक हमारे 33 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे ख्याल, तो अराउंड 35 कर लेते हैं गाइस इस वीडियो के अंदर। मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा अगर हम 35 कर लेते हैं इस वीडियो के बाद। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गाइस राइड सेफ एंड टेक केयर, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।